सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तिलक सर, आपका मैसेज मिलते ही मैं चला आया। क्या बात है सर? देखो, तुम्हारी पोस्टिंग बंबई में हुई नहीं कि मैं तुम्हें केस देना चाह रहा था, और कल रात मैंने तुम्हारे घर फोन भी किया था लेकिन तुम घर पर थे ही नहीं। सर मैं जरा बाहर चला गया था सुबह 4 बजे तक। अल्टीमेटली केस मुझे अपने हाथ में लेना पड़ा। कौन सा केस सर? मेरा एक पुराना दोस्त महेश श्रीवास्तव, कल रात उसकी दूसरी बीवी सुष्मिता का कत्ल हो गया। सुष्मिता का? तुम इसे जानते थे? यस सर, वो मेरी क्लासमेट थी और कल रात एक पार्टी में मेरी मुलाकात भी हुई थी उससे। ओ, कल रात किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूं। आप कर रहे हैं सर, वो भी मेरे रहते हुए? सर ये जिम्मेदारी आप मुझे क्यों नहीं सौंप देते? ये केस मैं तुम्हें देना तो चाहता था मगर प्लीज सर, प्लीज। तुम इस केस को अपने हाथ में लेने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? क्योंकि सर इसकी दो वजह हैं सर। एक तो मेरी पोस्टिंग अभी अभी बॉम्बे हुई है और मैं इस केस को सॉल्व करके अपनी काबिलियत जाहिर करना चाहता हूं सर। और दूसरी वजह यह है कि सुष्मिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी सर। पुलिस डिपार्टमेंट भावनाओं पर नहीं चलता तलक। आई नो सर, आई नो वेरी वेल। आयुष्वा की इसके अलावा और कोई वजह नहीं है सर। और क्या वजह हो सकती है सर? मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। ओके, आई बिलीव इन यू। इस केस का चार्ज तुम संभाल लो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रोहन। जी पापा। क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। सिगरेट पीने लगे हो? वो पापा वो अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो इसे। जी पापा। रोहन, तुम्हें पता है सुष्मिता की मौत के बारे में? नहीं पापा। कल रात मैं आपके कमरे से निकलकर सीधे अपने कमरे तक गया और सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुष्मिता का कत्ल किसने किया होगा? जिसने भी किया होगा मैं उसका बहुत आभारी हूँ। रोहन साहब, पुलिस वाला आपसे मिलने आए। ठीक है, मैं आता हूँ। सर मर्डर का मोटिव सिंपली चोरी ही लग रहा है। अच्छा, नहीं।
सर, ऊपर अलमारी भी खुली पड़ी हुई है और बहुत सारे खाली डब्बे हैं, जिनसे साफ जाहिर है कि उन डब्बों में जेवरात वगैरह ही रहे होंगे। अच्छा सिंह, ये बताओ कि इस तस्वीर में कौन कौन है? सर, ये तो मिस्टर महेश श्रीवास्तव हैं और ये उनकी वाइफ सुष्मिता, जिनका मर्डर हुआ है, और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। रोहन और मनीषा। मिस्टर महेश श्रीवास्तव जी, मेरा नाम तिलक राज है। मुझे इस केस की तहकीकात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं आपके अलावा आपके दोनों बच्चों से भी पूछताछ करना चाहूंगा। रोहन से आप पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन मनीषा तो इस वक्त भी झांसी में है। इंस्पेक्टर, क्या इससे पहले हम मिल चुके हैं? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको इससे पहले भी कहीं देखा है। अब देखिए, मेरी पोस्टिंग मुंबई अभी अभी हुई है। अगर आप कहें तो ये तस्वीर मैं अपने साथ ले जाऊं। जी सिंह, ये तस्वीर अपने साथ ले जाओ और गाड़ी में मेरा इंतजार करो। ओके, मैं भी आता। कल रात आप सुष्मिता को घर छोड़ने आए थे? जी, सुष्मिता मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और कल इत्तेफाक से वो मुझे पार्टी में मिल गई। वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि सुष्मिता की मौत से आपको कोई दुख पहुंचा है? मुझे उसकी मौत से कोई दुख नहीं पहुंचा है। सुष्मिता ने मुझे बताया था उसके और आपके डिफरेंसेस के बारे में। ऐसा लगता है मिस्टर श्रीवास्तव, आप उनसे मोहब्बत करना तो दूर, बहुत नफरत करते थे। मेरी उस मोहब्बत नफरत की कहानी का अंत हो चुका है इंस्पेक्टर। या शायद नहीं, हो सकता है सुष्मिता के कत्ल के पीछे आपकी नफरत हो मिस्टर श्रीवास्तव। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरा शक बेबुनियाद भी तो नहीं है मिस्टर श्रीवास्तव। बिल्कुल नहीं, पर सच्चाई यह है कि मैं सुष्मिता का खुद खून कर देना चाहता था, क्योंकि वो बात बात पर बेवक्त मेरी बेइज्जती कर देती थी। अफसोस इस बात का है कि मेरे कुछ करने से पहले किसी और ने उसका खून कर दिया। अब उसका खून किसने किया ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर श्रीवास्तव। बहरहाल, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके पास वजह भी है और इच्छा भी है। आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। कल मेरी बेटी आ रही है और हम बाहर घूमने जा रहे हैं। आपकी बीवी मर गई है और आप घूमने जाना चाहते हैं? पांव से जब कांटा निकल जाता है तो उसके दर्द में भी एक सुकून सा रहता है इंस्पेक्टर। मिस्टर श्रीवास्तव, आप मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा। अरे खत्म। वेटर। यस सर। देखो वेटर, एक लार्ज पैक विस्की का और ला दो। साहब, आपको कितनी बार बोला हूं कि बार बंद हो चुका है, प्लीज अब जाइए। देखो, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, तब तक के लिए एक पैग ला दो प्लीज। सॉरी सर, टाइम खत्म हो गया, प्लीज आपको जाना ही होगा। टाइम खत्म हो गया तो जाना ही पड़ेगा। टाइम खत्म हो जाता है तो यहां से तो क्या दुनिया तक से जाना पड़ता है, जैसे सुष्मिता चली गई हमेशा के लिए। कमबख्त, मेरे सारे अरमानों को हाथ में मिला गई, उसकी करोड़ों की दौलत मेरे हाथ में हाथ हाथ रह गई।
आओ आओ आओ। क्यों बुलाए मुझे यहाँ? अरे नहा लो, नहाए, सीधे मुद्दे की बात पे आ गए। मेरे पास तुम्हारे जैसे आदमी के लिए वक्त नहीं है। कमाल है, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर यहाँ आए क्यों? क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि तुम सुष्मिता के कातिल के बारे में जानते हो। सुष्मिता? अरे अब मम्मी नहीं बोलते। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है और मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो तुम यहां मुझसे मिलने सिर्फ ये जानने के लिए आए हो ना कि मैं सुष्मिता के खून के बारे में क्या क्या जानता हूं। बाय द वे, चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? शट अप। तुम मुझे अच्छे खासे पैसे दे दो तो मैं शट अप हो जाऊंगा, नहीं तो पुलिस को बता दूंगा कि सुष्मिता का खून कब, किसने, क्यों, कहां और कैसे किया था। इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुम यहां आते नहीं। तुम्हारा मतलब है कि खून मैंने किया है? देखो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं बात निकालता हूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अच्छा, इसको ब्लैकमेल कहते हैं? वेरी गुड, ठीक है, ब्लैकमेल कर रहा हूं। देखो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। आंखों से नहीं, मुंह से बोलो। मिल जाएंगे, कब चाहिए? कल, दिन में, रात में, कभी भी। ठीक है, गुड बाय। कमाल है, गुड बाय बोल गए। अरे भाई अब तुम्हारे लिए गुड़ कहाँ बचा, अब तो सिर्फ बाय ही रह गया है। हेलो, पुलिस स्टेशन, मे आई प्लीज स्पीक टू चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर तिलक राज? हेलो हेलो, अरे भाई मोबाइल से बात करने से पहले बैटरी भी तो चार्ज होनी चाहिए। पापा। मनीषा बेटी, कब आई बेटी? सीधे एयरपोर्ट से आ रही हूँ पापा। अपने आने की खबर दे देती मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भिजवा देता। खबर करने का टाइम ही कहाँ था पापा, आज ही एग्जाम खत्म हुई, हॉस्टल में दिल नहीं लगा, इसलिए पहली नाइट फ्लाइट पकड़ के आ रही हूँ। बेटी सुष्मिता के बारे में। आई नो पापा, मैंने पेपर में पढ़ा, मगर पापा आप ही हमेशा कहते थे ना कि जो जो जब जब होना होता है सो सो तब तब होता है। हाँ बेटी, फिर भी दुख तो होता है ना। आफ्टर ऑल शी वॉज माई वाइफ। जी पापा, आई एम सॉरी पापा। बेटी रोहन बाहर गया हुआ है, यू टेक रेस्ट, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतनी रात गई आप कहां जा रहे हैं पापा? बेटे वो सुष्मिता मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस वालों ने कुछ जरूरी पूछताछ करनी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जी पापा।
हेलो इंस्पेक्टर तिलकराज। हाँ बोल रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए फोन किया है ताकि आपको अंदर की बात बता सकूं। कौन सी बात? कौन हो तुम? मैं सुष्मिता के कातिल को जानता हूं। कैसे जानते हो तुम ये सब? क्योंकि कत्ल के वक्त मैं वहां मौजूद था। क्या इंस्पेक्टर आप चौंकते बहुत हैं। देखो मिस्टर, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं। इसमें नुकसान आप ही का होगा क्योंकि मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, और अगर बोलूंगा भी तो देखो, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना ही नहीं है तो तुमने मुझे फोन क्यों किया? क्या चाहते हो तुम? 1,00,000 रुपया। दरअसल मैं सुष्मिता की दौलत के चक्कर में था, इसी वजह से मैंने अपनी बीवी को भी तलाक दे दिया था। आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं सिर्फ आपके सामने मुंह खोलूंगा, फिर जिंदगी में किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा भला? ऑफिसर आप बेफजूल की बातों में मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या वाकई कातिल को पहचानते हो? हाँ। तो तुम कत्ल के वक्त वहां क्या कर रहे थे? दरअसल मैं खुद सुष्मिता को मारने वहां गया था, मगर है छोड़ो, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। देखो तुम पुलिस वाले से सौदा कर रहे हो। हाँ मैं जानता हूं। ठीक है, बोलो कब और कहां मिलना है। तुम ठीक 2 घंटे बाद वर्लीना के पे आ जाना। ओके, आई विल सी यू देयर। ये तिलक अमित को 1,00,000 रुपए क्यों दे रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता करना पड़ेगा।